कुछ काम करो। ऑलराइट देविशा, सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी क्या था? कंपोनेंडो एंड डिवेंडो, ठीक है। इसमें क्या होता था याद है ना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से जोड़ देना, डिवाइड बाय क्या करना, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। टू के दोनों साइड में ये हमें करना पड़ेगा, ठीक है। इससे कॉम्प्लेक्स इक्वेशन थोड़ा इजी हो जाता है। देखो सबसे ऊपर ही कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, ठीक है, ये वाला। तो इसमें हमको एक्चुअली प्रूफ करना था, प्रूफ डायरेक्ट लिखना भूल गए। इसमें ये हमको प्रूफ करना है, इस केस में उस सबसे ऊपर वाला क्वेश्चन में प्रूफ दैट करना है कि 2AD is equal to 3BC। ये वाला क्वेश्चन जो है 2AD is equal to 3BC, ठीक है। मेरा शैडो आ रहा है क्या, बहुत ज्यादा आ रहा है क्या? नहीं सर, थोड़ा लाइट आज थोड़ा वो हो गया, फ्यूज हो गया, ठीक है। तो कल लगवा देंगे, एक ही लाइट है। तो हमको ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो ये बड़ा वाला टर्म मल्टीप्लाइड बाय ये इज इक्वल टू ये इनटू ये चार है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसको समझो, तो कॉम्पोनेंट और डिविडेंड रेशियो में लगता है, करेक्ट। जैसे कहते हैं ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, इस तरह से हमारे चार्ट है। क्या करना, एक को इधर ले जाना और एक को इधर ले जाना, रेशियो लग जाएगा ना। देखो तो ए बाई सी हो जाएगा, इधर क्या जाएगा डी बाई बी, करेक्ट। जब एक बार रेशियो बन गया उसके बाद हम क्या लगा देंगे, कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड, करेक्ट करेक्ट। तो ट्राई करोगे, ट्राई करो ये वाला ट्राई करो। अगर ये वाला ट्राई नहीं होता है तो छोड़ो, ये वाला ट्राई करो, ये तो बन जाएगा। ये वाला ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 2 भाई कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगाओ। चलो लगाओ, तब तक दूसरे बच्चे आ जाएंगे। तब तक क्वेश्चन नंबर 2 लगाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, बना रहे हो? क्वेश्चन नंबर 2 आसान है। ये भाई दोनों को जोड़ो, फिर ये माइनस ये न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। और जो काम लेफ्ट हैंड साइड में किया वही काम आपको राइट हैंड साइड में भी करना है। इसमें तो ये तो फाइंड करना है। बन रहा है, बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो ये बताओ। हेलो सर, बना प्रीतम? यस सर। प्रीतम एक भी क्लास एब्सेंट नहीं करता है, प्रीतम बहुत अच्छा बोला। कितना चेक सेकंड, देविशा, आयुष, प्रीतम, अवंतिका, आस्था, सुप्रीत। चलो बहुत दिन बाद सुप्रीत लास्ट क्लास आए थे, नहीं ना? आवाज नहीं आ रहा है क्या मेरा? गेम खेल रहा है। हाँ क्या हुआ? इसका आंसर x:y का आंसर x:y का आंसर होगा 5:3। आया किसी का? आया सर। ओके वेरी गुड। लगता नेटवर्क इशू है, कोई बात नहीं। सुप्रीत लास्ट क्लास आए थे? नहीं आए तो ध्यान देना, ठीक है? सबको ध्यान देना। तो लास्ट क्लास में हम बस प्रॉपर्टीज पढ़ाए थे रेशियो प्रोपोर्शन का। उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था, उसका नाम था कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। C फॉर कॉम्पोनेंडो, D फॉर डिविडेंडो, करेक्ट? ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि अगर आपका कोई रेशियो दिया है A by B, इधर C by D ऐसे रेशियो दिया है, ठीक है? और अगर आप एक बार न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जोड़ दोगे, ये डिवाइड बाय B, ये भी बराबर होगा। और एक बार आप अगर आप न्यूमरेटर, ये इसको कॉम्पोनेंडो कहते हैं एक्चुअली, और डिविडेंडो क्या होता है? न्यूमरेटर का एज इट इज रहने दो, यार क्या कर दो, डिनोमिनेटर में a-b कर दो, a-b कर दो, ठीक है? या c-b कर दो, ये भी बराबर होता है। और इन दोनों से मिलके मेरा बनता है, एक बार आप न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर करो, एक बार आप न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करो। यहाँ भी वही करो, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइड बाय क्या होगा? न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। अगर तो ये सभी बराबर है, ये सभी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। चलो ये वाला सिद्धांत इसमें लगाते हैं। ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करने का बहुत तरीका है, लेकिन हमको x:y निकालना है। चलो देखो लगाएंगे क्या लिखेंगे, अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। तो क्या करेंगे, एक बार न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कितना भाई? x² + y²। इसमें आप जोड़ दो डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है? x² - y², ठीक है? डिवाइड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करना, इसको इसको मत माइनस करना। तो न्यूमरेटर क्या है? x² + y² माइनस करना एक बार डिनोमिनेटर से, x² - y², ठीक है? यही काम आपको राइट हैंड साइड में भी करना है। तो 17 + 8 डिवाइड बाय क्या होगा? 17 - 8, ठीक है? सबको दिख रहा है? सबको दिख रहा है? यहां देखो तो क्या क्या कटेगा, अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या कटेगा ऊपर में? ये प्लस y² ये कट जाएगा, ठीक है? नीचे क्या कटेगा, ध्यान से देखना, x² कटेगा, करेक्ट? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन बदल जाएगा। तो यहां से मेरा क्या पता चला, यहां से पता चला मेरा 2x² आएगा, नीचे क्या आएगा? y² और ये माइनस माइनस प्लस y² क्या हो जाएगा? 2y², करेक्ट? वहां कितना हो जाएगा? 25। 17 माइनस 8 कितना हो गया? 9, ठीक है? ये 2 भी कट गया, तो क्या है मेरा x² का वैल्यू कितना है? 25/9 है ना, 25/9। दोनों पे स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे होल स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायर वहां गया तो क्या हो गया? स्क्वायर रूट, तो 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 5, 9 का 3। और याद रखना सर, आप सर सबको कोई बोलेगा सर प्लस माइनस दोनों आता है, हाँ आता है, लेकिन रेशियो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, मतलब प्लस माइनस 5 आएगा, प्लस माइनस 5/3 आएगा, लेकिन रेशियो कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो इसलिए क्या लेंगे? सिर्फ प्लस वाला वैल्यू लेंगे। तो x:y का वैल्यू कितना आया? x:y का वैल्यू कितना आया? 5:3 है। फर्स्ट वाला पार्ट मेरा सॉल्व हो गया। एवरीवन क्लियर? एवरीवन? यस सर, यस सर, यस सर। ओके, अब मेरा तो आया x:y का है, लेकिन हमको सेकंड वाला क्या चाहिए? x³ + y³ / x³ - y³। अच्छा, मतलब लग रहा है ये न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर वाला, मतलब कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो लगा दिया है, इसका मतलब क्या है? अगर हम लोग x³ y³ का वैल्यू निकाल ले, x³ y³ वैल्यू लगा ले, एक बार इसको कॉम्पोनेंडो लगा दो, डिविडेंडो लगा दो, लगा दें क्या देखो तो x³ + y³ / x³ - y³ हो जाएगा ना बच्चों, हो जाएगा। मतलब हमको अगर इसका वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या चाहिए? y का क्यूब चाहिए, मतलब क्यूबिंग कर देंगे, दोनों साइड क्या कर देंगे? क्यूबिंग कर देंगे। और उसके बाद क्या लगा देंगे? कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देंगे, करेक्ट? लिख लिए सबको? मिटा दो? यस सर, हाँ मिटा देते, ठीक है? ये रहा, मिट रहा। सुप्रीत समझ में आ रहा है? सुप्रीत? हाँ सर। अब नाउ करके क्या करेंगे? क्यूबिंग कर दीजिए, कितना हो गया? 5 का क्यूब 125 3 का क्यूब 27। अब क्या लगा देंगे फिर से न्यूमरेटर, फिर से कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो लगा देंगे, फिर से कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देंगे ठीक है। तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर है ना, डिवाइड बाय क्या होगा न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। कितना आ गया आंसर? ये मेरे ख्याल से 152 होगा, ये मेरे ख्याल से 98 होगा, काट छाट कटेगा, हो जाएगा 76, ये हो जाएगा 49, 7 से कट रहा है किसी किसी नहीं कटेगा ठीक है। इतना ही आंसर होगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर होगा 76/49 ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला ये वाला हो गया करेक्ट, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। सबको लिख लो, लिख लिए, पेन चल रहा है साथ साथ? यस सर। हाँ आज लगा नेटवर्क इश्यू है ठीक है चलो। हाँ लिख लो लिख लो, लिख लिया सबको ठीक है, सिंपल से था। तो ये वाला तो मेरा हो गया, तो ये वाला हम क्वेश्चन मिटाते हैं, ये वाला क्वेश्चन मिटाते हैं ठीक है। अब थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करो, तो ये सॉल्यूशन ऑफ थ्री क्या है भाई, x4 + 1 डिवाइड बाई 2x² इज इक्वल टू क्या है 17/8। हमको x का वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे वही चीज कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या हो जाएगा, एक बार अगर न्यूमरेटर लिख दिया प्लस डिनोमिनेटर और दूसरे बार न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, और यहाँ पे वही करना पड़ेगा, यहाँ भी वही करना पड़ेगा। अच्छा हमको ये बताएगा कोई फॉर्मूला दिख रहा है बच्चों, ये कोई फॉर्मूला दिख रहा है? देखो तो x+1 का होल, x+1 स्क्वायर नहीं x स्क्वायर का x² + 1 का होल स्क्वायर है ठीक है ना, x² + 1 का होल स्क्वायर है। नीचे में देखो क्या है, नीचे में क्या है x² - 1 का होल स्क्वायर है, क्यों यहाँ 2ab के आगे प्लस है, यहाँ 2ab के आगे माइनस है करेक्ट। और यहाँ कितना हो गया वही 25/9। तो ये दोनों स्क्वायर दोनों का स्क्वायर हो गया, दोनों का स्क्वायर हम लिख सकते हैं होल स्क्वायर है ना, और होल स्क्वायर अगर उधर जाए तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट तो मतलब नीचे हाँ क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, बताओ दोनों को जोड़ेंगे क्या कटेगा, बताओ तो ये प्लस ये करेंगे क्या कटेगा, एनीवन दिख रहा है सबको x² + 1 नीचे में x² - 1 दोनों को जोड़ेंगे क्या कटेगा 1/1 नहीं कटेगा देखो तो यस सर ऊपर में क्या बचेगा मैं सीधा लिखूं डायरेक्ट x² यहाँ पे x² ऊपर में बचेगा 2x² करेक्ट। नीचे में आप ये माइनस ये करोगे, ये माइनस ये माइनस करो तो क्या कटेगा x² कटेगा, उससे x² कटेगा और यहाँ क्या आ जाएगा यहाँ +1 और माइनस +1 2 बचेगा। वहां भी यहाँ भी यही करना, इन दोनों को जोड़ना। तो 5 + 3 कितना हो गया 8, 5 - 3 कितना हो गया 2 करेक्ट। ये 2 कट गया, ये 4 टाइम्स कट गया, तो x² का वैल्यू कितना हो गया, फोर ठीक है। अगर इसका वैल्यू 4 है तो x का वैल्यू कितना होगा 2 ± 2। रेशियो में प्लस माइनस इसलिए नहीं लेते क्योंकि रेशियो में कभी नेगेटिव नहीं होता, ये नॉर्मल है सिंपल x का वैल्यू ठीक है। मतलब +2 के लिए भी ये सेटिस्फाई करेगा और -2 के लिए भी ये रेशियो सेटिस्फाई करेगा, देख सकते। एवरीवन क्लियर सभी? यस सर। लिख लिए? यस सर। हाँ चलिए ये भी हो गया, ये भी मैं मिटा देता हूँ। तब बताओ ये वाला करना कैसे करोगे, सेम कॉन्सेप्ट लेकिन इसमें रेशियो तो है नहीं, इतना मल्टीप्लाइड बाय इतना इज इक्वल टू इतना मल्टीप्लाइड बाय इतना, इस फॉर्मेट में है ना, a into b into c into d। तो इसको रेशियो के फॉर्म में ले जाओ, इसको एक बार इधर ले जाओ, इस फॉर्म में ले जाओ, फिर वहां पे क्या लगा दो, फिर कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगा दो। चलो देखो ये वाला इक्वल टू के बाद में ना, इक्वल टू के बाद में ना उसको इधर ले जाओ, इक्वल टू के पहले तो डिवाइड में हो जाएगा, हम इधर यही रखेंगे क्योंकि तो पूरा प्लस है, इधर में पूरा कुछ कुछ माइनस ठीक है। चलो हम यहाँ ये भी रखें, हालांकि ये भी रखोगे तो बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, ये डिवाइड में क्या हो जाएगा ये वाला टर्म ठीक है, इज इक्वल टू आगे ये था और ये क्या हो जाएगा उधर डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस 2b प्लस 3c माइनस 40 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा ये वाला टर्म उधर जाएगा, a माइनस 2b माइनस 3c प्लस। सबको ये समझ में आया बोलो तो? यस सर, है ना? यस सर। अब लगाएंगे कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड, कॉम्पोनेंट डिविडेंड लगा लेंगे करेक्ट, ये प्लस ये डिवाइड में क्या करेंगे ये माइनस ये। चलो ऊपर में लिखेंगे ये एज इट इज, थोड़ा बड़ा हो जाएगा लिखना और कुछ नहीं, सबको दिख रहा है ना, कुछ ज्यादा छोटा है क्या? नो सर। ठीक है प्लस प्लस ये वाला टर्म a प्लस 2b माइनस 3c माइनस 4d ठीक है, डिवाइड में क्या करेंगे न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो a प्लस 2b प्लस 3c प्लस 4d माइनस करेंगे नीचे वाला टर्म ठीक है, a प्लस 2b माइनस 3c माइनस 4d करेक्ट। जो यहाँ पे लागू किए वहां भी वही करना पड़ेगा, वहां भी वही करना पड़ेगा, करेंगे। चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, बताओ क्या घटेगा, ऊपर में प्लस हो रहा है ना तो किसी का साइन नहीं बदलेगा, तो 3c कट गया, प्लस 4d माइनस 4d कट गया ठीक है, तो मतलब क्या आ गया a प्लस 2b और a प्लस 2b, तो हम सीधा लिखते हैं 2 टाइम्स ऑफ a प्लस 2b, कोई डाउट नहीं। नीचे में क्या कटेगा, नीचे में माइनस है ना तो सबका साइन उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ये कट गया, प्लस 2b की जगह ये माइनस 2b ये कट जाएगा, ये प्लस 3c हो जाएगा ब्रैकेट खोलने के बाद, ये प्लस 4d हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ 3c और 4c, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं 2 टाइम्स ऑफ 3c प्लस 4d करेक्ट ठीक है। अब इक्वल टू वहां पे भी लगाओ, चलो इसको मन में मेंटली कर लेंगे क्या, मेंटली कर पाओगे, मेंटली कर पाओगे कि लिखना पड़ेगा, बोलो 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 हो जाएगा सर, मेंटली करते हैं। चलो देखो इन दोनों को प्लस करना है ना, प्लस करना मतलब किसी का साइन नहीं बदलेगा, जब किसी का साइन नहीं बदलेगा तो कौन कटेगा, 3c और 4d कटेगा, प्लस 4d माइनस 4 ये बचेगा a - 2b और a - 2b, तो 2 टाइम्स ऑफ a - 2b बचेगा, वेरी गुड। अब निश्चित रूप से आप माइनस करोगे तो क्या कौन कटेगा, ये दोनों कट जाएगा, सेम साइन वाला ये दोनों बच जाएगा, 3c 4d 3c 4d, तो 2 टाइम्स ऑफ 3c एक सेकंड, हाँ 2 टाइम्स ऑफ 3c माइनस होगा माइनस प्लस नहीं होगा, माइनस 4c होगा माइनस 4d होगा ठीक है। क्यों, ये पहले आ रहा है ये बाद में आ रहा है, ये पहले आ रहा है ये बाद में आ रहा है, जब ये माइनस ये किए तो माइनस करेंगे, इसका साइन बदल जाएगा ना, तो माइनस 4d का क्या लगेगा माइनस 8d है ना, माइनस 8, समझ में आया सबको, बोलो यस सर। हाँ 2 कट गया, 2 yes. अच्छा ये आ गया a प्लस 2b बाई 3c प्लस 4d a माइनस 2b बाई इतना। अच्छा क्या इसमें कॉम्पोनेंट डिविडेंड लगा सकते हैं, लगा तो सकते हैं लेकिन कोई फायदा yes. नहीं सर, जब इन दोनों को जोड़ेंगे या तो कुछ भी कटे छटेगा नहीं, तो क्या करेंगे फिर से इधर ले जाओ, इन्वर्स वाला इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ करेक्ट करेक्ट, ये हो गया a प्लस 2b डिवाइड बाय, इसको इधर ले आया a माइनस 2b, ये वाला ऊपर चला गया, 3c प्लस 4d डिवाइड बाय 3c माइनस 4d करेक्ट। अब इसमें क्या लगाएंगे, अब इसमें फिर से इसको ऐसे कर देना ठीक है, अब इसमें फिर से कॉम्पोनेंट डिविडेंड लगाएंगे, दिख रहा है यस सर बिल्कुल, एक बार कंपोनेंट ढूंढने लगा खुद से सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन लिख लियो क्या, ये वाला मिटा दूं मैं ऊपर वाला पार्ट, यस सर। चलो क्वेश्चन लिख लिया तो ऊपर ही सॉल्व करते हैं। चलो लगाओ फिर से इसमें कंपोनेंट और डिविडेंड लगाओ, तो जब दोनों को जोड़ो तो क्या कटेगा, दोनों को जोड़ोगे तो 2b कट जाएगा, तो क्या आएगा 2a, दोनों को घटाओ तो सब्ट्रैक्ट करो तो a कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2b और यहाँ प्लस 2b, कितना आ जाएगा 4b फिर इन दोनों को जोड़ो तो 4d कटेगा, कितना हो गया 6d। फिर इन दोनों को सबट्रैक्ट कर दो, 3 से 3 से कटेगा, क्या बचेगा 8 टाइम्स ऑफ d। करेक्ट, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये कट गया 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, ठीक है। उसको उधर ले, क्या प्रूफ करना था आपको, 2ad और ad आ रहा है, और यहाँ पे क्या 3pc, कुछ और कट रहा है क्या, हाँ ये कट रहा है, ये 2 टाइम्स कट रहा है, ठीक है। देखो d है 2 है, उधर चला गया तो क्या हो गया 2ad, ठीक है। d उधर चला गया 3 है, 3bc। समझ में आया, समझ में आया सबको? यस 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 लिख लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए। तो हम लोग 2 बार भी और कॉम्प्लेक्स इक्वेशन हो 3 बार भी कॉम्पोनेंट डिविडेंड लगा सकते हैं। लिख लिए सर, लिख लिए। अरे चल, लिख लिए सबको? यस सर। ओके, यस सर। सबसे अच्छा स्पीड आप ही लोग का, थैंक यू सर। हाँ सबसे अच्छा मैच ही आप लोग का, जल्दी निकल लेते। तो हम एक और क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन एक्चुअली प्रीवियस ईयर में आया हुआ और इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है। a√a + 3b यहाँ प्लस √a - 3b, ठीक है। और यहाँ पे ये बहुत बार आया है प्रीवियस ईयर में, और इस टाइप का तो बहुत बार आता है, ठीक है। इसको ये x= दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है। ये x= इसका वैल्यू दिया, करेक्ट। हमको ये प्रूफ करना है, प्रूफ दैट 3bx² - 2ax + 3b = 0। 3bx² - 2ax + 3b = 0, ठीक है। 2011 में क्वेश्चन आया। तो देखो, एक तो x का वैल्यू ये, एक तो आप लोग अगर नहीं पता रहता तो आप लोग क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज करते हैं, फिर x का वैल्यू निकालते हैं, फिर x का वैल्यू सब पुट करते हैं और सेटिस्फाई करते हैं। बन सकता है वैसा, लेकिन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वैसे बनेगा। इजीएस्ट मेथड कौन सा है, इजीएस्ट मेथड कौन सा है? कॉम्पोनेंट डिविडेंड। चलो लगाओ कॉम्पोनेंट डिविडेंड। क्या कहता है? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर लिख लिया। अच्छा, यहां भी लगाना पड़ेगा, यहां भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, यहां भी लगाना पड़ेगा, यहां भी लगाना पड़ेगा। एक्स है ना, यहाँ क्या कुछ नहीं मतलब 1 है, क्या है कुछ नहीं मतलब 1 है। तो लगाओ तो एक बार दोनों को जोड़ो तो क्या आएगा x + 1, और दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे क्या जाएगा x-1। ये है मेरा न्यूमरेटर, ये मेरा न्यूमरेटर, प्लस करेंगे डिनोमिनेटर। हालांकि हमको बार बार लिखना नहीं चाहिए, लेकिन चलो लिख देते हैं, समझ में आ रहा हो क्या कटेगा, ठीक है। फिर तो अगली बार सेम चीज है, न्यूमरेटर है ना, न्यूमरेटर में यही है, और क्या करना, माइनस करना डिनोमिनेटर, सेम चीज। हाँ बताओ, बताइए, बताओ क्या कटेगा। ऊपर ब्रैकेट खुलेगा तो क्या कटेगा, -3b, माइनस साइन, इसके आगे प्लस साइन है तो ये कट जाएगा। नीचे क्या कटेगा, नीचे ये कटेगा, ठीक है। तो ऊपर क्या बचेगा, a + 3b, 2 टाइम्स ऑफ √a + 3b, और डिनोमिनेटर में √a - 3b, अरे तो -1 क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ √a - 3b, ठीक है। ये 2 भी कट गया, और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर है x + 1 डिवाइड बाई x - 1, ठीक है। अच्छा, इस पर भी अंडर रूट है, इस पर भी अंडर रूट है, मतलब क्या ओवरऑल अंडर रूट होगा, बोलो। यस सर, मतलब ओवरऑल क्या हुआ अंडर रूट। अगर ओवरऑल इस पर अंडर रूट है तो उधर जाए क्या होगा, स्क्वायर नहीं हो जाएगा बच्चों? यस सर, हाँ स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं यहाँ सीधा लिखता हूँ x + 1 बाई x - 1 के इधर होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ क्या बचा, ये बचा a + 3b बाई a - 3, ठीक है। a + 3b बाई a - 3b सॉल्व हुआ, नहीं सॉल्व हुआ। चलो अच्छा इसमें फिर से दिख रहा है ना, फिर से लग सकता है, क्या लग सकता है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लग सकता है, फिर से लग सकता है कॉम्पोनेंडो। उससे पहले एक्सपैंड कर दे, एक्सपैंड कर दे, यहाँ क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x और क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। इज इट ओके? यस। इसमें लगाओ, अच्छा अभी तो एज इट इज लिखना है, अभी तो एज इट इज लिखना, फिर से लगाओ कॉम्पोनेंट डिविडेंडो लगाओ, लगाओ तो बताओ यहाँ क्या बचेगा, खुद बताओ इन दोनों को जोड़ोगे क्या बचेगा सर, 2 into x square plus 1, हाँ 2 into x square plus 1, ये दोनों कट जाएगा। और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा सर, 2 into 2 4 2x 2 into 2x, वेरी गुड। और यहाँ पर दोनों का ऐड करेंगे तो क्या कटेगा, बचेगा 2a, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या बचेगा 6b, करेक्ट। ये 2 कट गया, ये 2 कट गया, और ये 2 से ये 2 कट गया, 3 हो गया, अब कुछ नहीं बचा। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मेरे ख्याल से आ जाएगा है ना, कुछ नहीं बचा। यहाँ क्या बचा, बस x बचा। x को उधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा बोलो तो, ये x को उधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा 2ax हो जाएगा, बोलो तो, है ना। yes, बच्चों ये x को उधर भेज दिया 2 into a into x, और ये 3b को इधर भेज दिया, 3b को इधर भेज दिया, तो सब में से 3b मल्टीप्लाई होगा, इसमें अगर 3b मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 3bx2 प्लस 3b और इक्वल टू था 2x, इधर आ जाएगा क्या रहेगा माइनस 2ax हो गया। देखो तो समझ में आया सबको, देखो तो यस सर। तो ये दोनों सेम है कि नहीं, बस ये ऑर्डर थोड़ा उल्टा लिखे है कि सेम है ना, प्रूफ हो गया देखो तो यस सर। तो कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो से इजीली प्रूफ हो गया। सबको क्लियर है पक्का, प्रीवियस ईयर में आया हुआ ये पक्का? यस सर, यस सर। चलिए लिख लीजिए ऊपर, यहाँ लिख लिए सर, हो गया सर। वेरी गुड। तो चलो एक तो क्वेश्चन बनाओ, सबको लिख लिए, सबको। अंकित आया कि नहीं आया जी? नहीं आया, नहीं सर नहीं आया। क्या कर रहे हो? पता नहीं, हो सकता है उसके पेरेंट्स को फोन करना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं सर, आजकल एग्जाम चल रहा है शायद इसलिए नहीं आ रहा है। क्या चल रहा है? एग्जाम। कौन सा एग्जाम चल रहा है आप लोग का? सर हम लोग का मामूली सा एग्जाम चल रहा है, अभी स्कूल वाला करवा रहा है। कैसे होता है एग्जाम सर? स्कूल का साइट पे जाके एक पीडीएफ फाइल रहता है, वो डाउनलोड करने का रहता है, सिर्फ 2 घंटा के लिए अवेलेबल रहता है। उसके बाद फिर बोलता है, पेरेंट्स को बोलता है जरा सामने में बैठे रहना, देखना चीटिंग ना करे बच्चा, बस। फिर वो आंसर दे देता है, उसके बाद फिर आंसर शीट को अपने पास ही रखना है। अच्छा। और फिर जब स्कूल खुलेगा तब एक फाइल में करके रेस्पेक्टिव टीचर्स को दे देना है। अच्छा ठीक है, एक काम चलाओ ये, ठीक है, ऐसा तो फुल प्रूफ सिस्टम है नहीं। तो चलिए चलो ये वाला आप लोग से बन जाएगा, चलो बनाओ देखो तो, ये तो पिछला वाला से भी सिंपल क्वेश्चन है। आपको चलो ये प्रूफ करना है, चलो करो प्रूफ दैट, ये भी प्रीवियस में आया क्वेश्चन, प्रूफ कीजिए। 2 बार कॉम्पोनेंट डिविडेंड लगा दें, काम हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन कीजिए, अभी करो, देखो तो मेरे ख्याल सबसे हो जाना चाहिए। में आया हुआ है, ठीक है। चलो आप लोग कर रहे हो ना एवरीवन? यस सर। इसमें हमको प्रूफ करना b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय x स्क्वायर प्लस है ना। किसका हुआ आयुष? आस्था, देविशा हुआ? सर हो गया मेरा। वाह, प्रूफ हो गया ये ना? हाँ सर, फर्स्ट वाला हो गया। ठीक है, वेरी गुड। सेकंड वाला कीजिए, सेकंड वाला कीजिए। बच्चों अगर आप लोग ऐप में डाउट पूछोगे ना, मान लें अगर इनकेस हम नहीं लिख पाए तो हम क्या करेंगे, हम क्लास में जाके डाउट ले लेंगे बोले। ठीक है, आप लोग डाउट भेजना, ऐप में भेजना। अगर हम उसमें नहीं दे रहे हैं तो हम क्लास में ले लेंगे। ठीक है, क्लास में डाउट क्लियर कर लेंगे, जो भी होगा, 3-4 जो भी होगा। ठीक है, यस सर। अगर बच्चा वाला होगा तो हम नहीं करेंगे, हम लिख देंगे, ये तो बहुत आसान है। सबका हो गया फर्स्ट वाला? आयो सबका हो गया आयुष? यस यस सर, हो गया। प्रीतम? हाँ, वेरी गुड। बोलते रहो। या जसप्रीत, सॉरी सुप्रीत। सर कर रहे हैं। हाँ कीजिए। शैडो आ रहा है मेरा। हाँ, सर मेरा हो गया दूसरा वाला। दोनों हो गया? यस सर। सर मेरा भी हो गया। देख रहे हो कठिन बिल्कुल नहीं था। कठिन था क्या? नहीं सर, रैशनलाइज करते टाइम कंज्यूमिंग। सबका हो गया क्या? क्या बनाने की जरूरत है नहीं ना? नो सर, नो सर, नो सर, नो सर। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेस मत लेना भाई, एकदम। 10th है तो तुम लोग को लग रहा होगा पढ़ाई नहीं हो रहा है। पढ़ाई हो रहा ना? ठीक चल रहा ना पढ़ाई? हाँ सर। हाँ, मन उदास होके बोला। हाँ सर। सर इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम। इंग्लिश तो उसको, इंग्लिश तो लिटरेचर तो खुद पढ़ सकते हो ना? नहीं पढ़ सकते लिटरेचर? सर ग्रामर नहीं होता है। अच्छा सर, आईसीएसई का ग्रामर ही सबसे बड़ा टेंशन है। हाँ वो ग्रामर एक्चुअली मेरा भी कमजोर है तो, लेकिन क्या होता है ना, अगर तुम्हारा रीडिंग हैबिट है ना तो अपने आप लग जाता है, क्लिक कर जाता है, अच्छा ये होगा, हैज बीन नहीं होगा, हैव बीन होगा, है ना, वो लग जाता है। लेकिन उसके लिए रीडिंग हैबिट होना जरूरी है। अगर रीडिंग हैबिट है कोई भी बुक का, रीडिंग हैबिट पक्का होता है। लेकिन इसमें रीडिंग हैबिट कंपल्सरी है, रीडिंग हैबिट नहीं है तो ग्रामर टफ लगेगा। ठीक है, चलिए तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग आज क्लास का हमारा 7वां क्वेश्चन है। तो ये बोल रहा है, ये सब इसी टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, कुछ भी कठिन नहीं है। और आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 63/62 ठीक है, हमको निकालना A/B निकालना है। क्या निकालना है? A/B। मेरे ख्याल से आप लोग कर लोगे। एक और क्वेश्चन देते हैं इसी में, आज का 8वां क्वेश्चन। x³ + 12x / 6x² + 8 y³ + 27y (9y²) + 27। ठीक है, इसमें आपको निकालना है x→y। दोनों बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। ये भी 2009 का है, 2015 का है ये वाला। ठीक है, चलो हम ये बनाते हैं, आसान है। क्या करेंगे? वही करेंगे, कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो। तो एक बार क्या करेंगे, दोनों को जोड़ते हैं। ठीक है, दोनों को जोड़ते हैं। सर a प्लस b का होल क्यूब आएगा, होल क्यूब है ना। अगर आपको ठीक से दिख रहा है तो ये a प्लस b का होल क्यूब है। नीचे माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, दोनों को माइनस आएगा। इसमें माइनस है, इसमें माइनस है, है ना। और वहां पे वही करेंगे, 63 + 62 / 63 - 62। a³ + b³ का फॉर्मूला यही है, a³ + b³ 3a² + 3ab²। a³ ऐसा लास्ट में माइनस रहता है तो माइनस b³ होता है। अब इन दोनों में सबको डाउट होता है कि सही है कि नहीं, तो फॉर्मूला देखो, शॉर्टकट वाला एक सही था। ऐसे आपको b³ - b³ - 3ab a - b। ठीक है, अब देखेंगे दोनों सेम है कि नहीं। सेम है, बिल्कुल है। 3a² का आगे माइनस है कि नहीं? हाँ, और ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा। 3ab² का आगे प्लस है, मतलब ये भी मेरा कौन सा फॉर्मूला है, a - b का होल क्यूब है। ऊपर क्या है, a + b का होल क्यूब। नीचे क्या है, a - b का होल क्यूब। दोनों को जोड़िए, 60 60 120 होता है, 3 रुपया, 5 रुपया, 125 रुपया, 1 रुपया। क्यूब है, क्यूब मतलब क्या, होल क्यूब है। होल क्यूब उधर जाएगा तो क्या होगा, क्यूब रूट। 125 से क्यूब रूट कितना हो गया, 5। तो a + b/a - b का क्यूब, ये कितना हो गया, 5। हमें क्या चाहिए, a + b चाहिए। तो फिर क्या लगा देंगे, कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड। दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ो, आंसर 3/2 है। हां, 3:2। हां, और इन दोनों को घटाएंगे तो 2b आएगा। तो देखो कुछ नहीं है, मतलब 1 है। दोनों को जोड़ेंगे तो 6, दोनों को घटाएंगे तो 4। तो a/b का वैल्यू कितना आया, 3:2 है ना। b का वैल्यू कितना आया, 3:2। यस सर, ठीक है। तो ये वाला लिख लीजिए और उसके बाद ये वाला अपने से करो, 8 नंबर वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 भी अच्छा क्वेश्चन। कीजिए, ये वाला लिखिए, इसका आंसर होगा, 7th का आंसर होगा 3:2। ठीक है, आई होप ये वाला मैं मिटा देता हूँ। लिख लिया होगा सबको, सबको लिख लिए। सब कोई, एवरीवन? यस सर। चलिए, ये वाला बनाइए, कैंसिल में देखता हूँ 3/4। क्या आंसर है, कौन बताएगा? संतोष सर? 2:3। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। सबका आया? आया? यस सर, आ गया। बहुत अच्छा। एवरीवन? सुप्रीत, क्या बनाना पड़ेगा मुझे? नहीं सर। नो सर। ठीक है, वेरी गुड। तो इसका आंसर हो गया मेरा 2:3। प्रीतम आया? यस सर। मिटा देते हैं। संतोष सर? हाँ सर, यस सर। हाँ सर, वो आज कुछ आने वाला था ना, कोर्ट का वर्डिक्ट एग्जाम के बारे में, क्या हुआ? बोर्ड वाला तक तो अभी तक नहीं आया सर। अभी तक कुछ नहीं आया? कल आएगा, कल आएगा सर, 23 तारीख को आएगा जी। ये रहा, एकदम देख रहे हो पूरा चैप्टर ही आसान है। लो ये वाला, ठीक है, ये वाला बनाइए, ठीक है। x³ + 3x/3x² + 1 341/91। ये वाला, और ये होगा हमारा 9th नंबर होगा, 10th नंबर होगा हमारा 10 है माइनस, ठीक है। इसमें हमको x का वैल्यू चाहिए। आस्था बन रहा है ना आपसे? हाँ सर। और अवंतिका और देविशा, आप लोग से बन रहा है? यस सर, बन रहा है। ठीक है, जो बोला है, जो नहीं समझ में आया तो बिल्कुल पूछना है। ये वाला बनाइए, ये वाला बनाइए, दिस वन एंड दिस वन। इसके बाद एक और क्वेश्चन लेंगे और आज का क्लास हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत ही अच्छे से खत्म हो गया। आप लोग का ICSE का खासियत है इंग्लिश, आप लोगों को इंग्लिश ही डिस्टिंग्विश करता है CBSE से, ठीक है। इंग्लिश तो अच्छा रखना है। किस किस को रीडिंग हैबिट मतलब रीडिंग अच्छा लगता है बोलो तो? आप लोग किसी को रीडिंग अच्छा लगता है? रीडिंग किताब पढ़ना, एकेडमिक नहीं नॉन एकेडमिक, किताब पढ़ना अच्छा लगता है बच्चों? नो सर। और आयुष तुमको रीड करना किसी का भी, मतलब मान लो कोई क्रिकेटर का बायोग्राफी हो गया वो भी चलेगा, वो सब कुछ भी या फिर मैटर कुछ भी, एनीथिंग रीडिंग हैबिट नहीं। कोई नहीं पढ़ता है जा। क्योंकि अगर किसी को रीडिंग हैबिट है तो एक हम बुक रिकमेंड कर सकते हैं। अभी घर में बैठे हो तो पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी किताब है ना। ये है होमो सेपियंस, एक्चुअली सेपियंस नाम है ना, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। अच्छी किताब है, बहुत अच्छी किताब है, अच्छी नहीं बहुत अच्छी किताब। सर चार्ल्स डार्विन का नहीं, चार्ल्स डार्विन नहीं है ये, युवल हरारी है एक्चुअली, ऐसे कुछ नाम है युवल हरारी, ज्यादा कुछ नाम है। सेपियंस होगा ऐसे, सेपियंस और उसके बाद ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। पिछले 2 लाख साल 3 लाख साल में मानव का कैसे प्रोग्रेस रहा इतिहास, ठीक है। बहुत अच्छी किताब है, बहुत मतलब ब्रॉड माइंड खुल जाएगा अगर आप लोग थोड़ा बहुत बायोलॉजी पढ़े हो ना, थोड़ा बहुत अच्छी किताब, ठीक है। अगर क्योंकि खाली टाइम बहुत है, पढ़ सकते हो, पढ़ोगे तो बहुत बहुत ही अच्छा रीडिंग है, ठीक है। मन भी लग जाएगा। अगर मैथ पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हो तो वाह, ये वाला किसी से हुआ बच्चों? सर हो रहा है, हो रहा है। आयुष सर उसका आंसर मेरा आके फंस गया। आंसर कितना आया सर? मेरा आंसर क्यूब रूट में आ रहा है। नहीं नहीं क्यूब रूट नहीं है, नॉर्मल इंटीजर ही है। आई थिंक इसका आंसर है 19 का 11, 11 आंसर है। किसी का आया 11? 11 11। मतलब वो किताब अच्छी ही नहीं बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। बराक ओबामा ने इस किताब की तारीफ की है, यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप वगैरह उन्होंने ऐसा लिखा कि ऐसा किताब आज तक नहीं पढ़ा है। तो अगर उस लेवल का किताब अगर आप इस स्टेज में पढ़ लोगे तो आप लोग का दिमाग एकदम खुल जाएगा, मतलब काफी नजरिया बदल जाएगा दुनिया देखने का, ठीक है। आया किसी का ये वाला बच्चों? नहीं आया, बनाना पड़ेगा। चलो बनाते हैं, ऐड करो, ऐड करें। एक्चुअली फॉर्मूला था, बस यही था कि फॉर्मूला था तो दिख नहीं रहा होगा आपको। सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करेंगे न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करेंगे, ये आएगा, आएगा बोलो, ठीक है। यहाँ भी वही करना पड़ेगा, 343 प्लस 91, 343 माइनस 91, ठीक है। तो ये देखो अगर ठीक से देखो तो ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है देखो तो, x प्लस वन का होल क्यूब। नीचे क्या है? x माइनस वन का होल क्यूब। डायरेक्ट सकता हूँ ऐसे होल, अगर देखो 91 जोड़ना नहीं जोड़ोगे सर वहाँ पे, सर वहाँ 341 है सर, 340 है, सॉरी। जब हम कहीं जोड़ते हैं 341, 100 रुपए दे दो 9 रुपए हटा दो, 100 रुपए जोड़ दो 9 रुपए हटा दो, 441 9 घटाओगे तो कितना जाएगा 432। इसमें 100 रुपए घटाना है तो सॉरी 91 घटाना है तो 100 रुपए हटा दो 9 रुपए जोड़ दो, हम ऐसे ही करते हैं। 100 रुपए घटा दो कितना हो गया 241, 241 में 9 रुपए जोड़ दो कितना हो गया 250, 250। और बार ना ऐसे जल्दी टूट जाता है, 100 रुपए जोड़ दो 9 रुपए घटा दो, और अगर 91 घटाना चाहते हो 100 रुपए घटा दो 9 रुपए। कितना बोलते हैं, बहुत बहुत समझा जल्दी काटो, क्या काटो, ये 125 ये 216 तो दिख रहा है ना, ये क्यूब उधर जाएगा, क्या होगा क्यूब रूट, तो 216 क्यूब रूट कौन बताएगा मुझे? 16 हां क्यूब रूट है स्क्वायर रूट नहीं है, क्यूब रूट हां तो 16 क्यूब रूट कितना होता है? 6 होता है, 6 ये कितना होता है? 5 होता है, 5 होता है, ठीक है ना, ठीक है दिख रहा है। अब फिर से क्या लगा देंगे, फिर से कंपोनेंट ड्यूट में लगा देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कंपोनेंट ड्यूट में लगाओ, जोड़ो, क्या आएगा 2x आएगा, क्या आएगा 2x, घटाएंगे तो क्या आएगा /2 है ना, ये आएगा देखो दोनों पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जोड़ोगे तो क्या आएगा 2x, और ये माइनस देखो तो एक्सेप्ट कर जाएगा तो क्या आएगा 2, यहां जोड़ोगे तो कितना आएगा 11, घटाओगे तो कितना आएगा, कर गया तो x का वैल्यू कितना हुआ 11, का वैल्यू कितना हुआ 11, ठीक है, ठीक है x का वैल्यू कितना हुआ 11, तो 9 नंबर तो हो गया, 9 नंबर तो हो गया। सबको समझ में आया? बोलो बच्चों, यस सर। और तो मैं मिटा दे रहा हूं, आप लोग समझ लेना, ठीक है। ये वाला करके दिखाओ, ये वाला करके दिखाइए, ये वाला करके दिखाइए, ये है 12 का 6, इसका मुझे कोई बताओ आंसर, तो मतलब क्योंकि वेरिएबल में इसलिए थोड़ा सा बहुत लोग से गलती हो सकता है, ठीक है, इसका आंसर बता के दिखाना। और ये आपका होमवर्क रहेगा, एक लास्ट क्वेश्चन, इसे भी x का वैल्यू निकालना है, अंडररूट 36x plus 1 का होल अंडररूट, 36 plus 1 का होल अंडररूट। ये वाला आपको ये करके दिखाएगा कि वेरिएबल में है तो x का आंसर पूरा वेरिएबल में आएगा, मतलब a b c d के टर्म में आएगा x का आंसर, ये वाला क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा देखो तो, ठीक है, ये वाला हम चाहेंगे कोई तो बनाओ, एनीवन। सर ए डी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर है क्या? ए डी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर नहीं है, इसका आंसर है ये है 12 का 6 है 2ac d, एक सेकेंड, x का वैल्यू है 12, 2ac d बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, देखने दे दे, 2acd/c² प्लस, ये आंसर है, ये वाला आंसर है, ठीक है। देखो कहाँ गलती हुआ, 2 बार लगेगा कॉम्पोनेंट डिफरेंट आ जाना चाहिए, देखो कहाँ गलती हुआ, देखो तो फिर से बनाओ, आयुष प्रीतम आस्था सर बना रहे हैं। हाँ, ये वाला बनाइए, ये वाला होमवर्क बना लेना घर में, ठीक है। और इस तरह से हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ, हमारा सर मेरा आ गया सर, मेरा भी आ गया, मेरा भी आ गया, एक साथ सब आ गया सबका आ गया पक्का? यस सर, किसी को डाउट हो तो मैं बना सकता हूँ, किसी को भी, सुप्रीत दिक्कत है? नहीं सर आ गया, झूठ बोल रहा है सर, आ गया, ठीक है चलो सर, वो लगता है बहुत दूर बैठा है सुप्रीत। अब इसके बाद हम क्या शुरू करें वो देख रहे हैं, ये चैप्टर तो खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद आप लोग का अच्छा खासा चैप्टर खत्म हो गया, 7 चैप्टर खत्म, 7 चैप्टर खत्म हो गया। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दीजिए, स्कूल में भी वही हो रहा है, स्कूल में हम लोग का स्कूल में वही हो रहा है, ठीक है। ओके तो चलो ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास। ओके यस, मेरा स्कूल में चैप्टर 5 हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। चलो तो ये मेरे ख्याल से हो गया होगा, ये लिख लीजिए, घर में बना लीजिएगा, ठीक है, आसान क्वेश्चन है ये भी। और इस तरह से ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। यार एक आध दो क्वेश्चन एक प्रॉपर्टी पे बेस्ड, जैसे कि सम ऑफ एंटीसीडेंट बाय सम ऑफ डिसीडेंट वाला प्रॉपर्टी था ना, याद है? देखिए प्रॉपर्टी, यस सर, था ना a by b = c by d = e by f अगर रहे, तो ये सारा रेशियो किसके बराबर होगा? इन तीनों का सम ऑफ एंटीसीडेंट बाय सम ऑफ डिसीडेंट। इस प्रॉपर्टी पे एक दो क्वेश्चन रह गया होगा, वो भी आसानी है, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास कर लेंगे, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। कोई डाउट? नो सर, नो सर। इसका डाउट लेंगे, नहीं तो आप क्या करना, ऐप में डाउट पोस्ट करना, हम नहीं बनाएंगे तो लाइव में डाउट ले लेंगे, लिखने में बहुत ये लग जाता है। डाउट करेक्ट, ऐप में आप डाउट पोस्ट कर सकते हो, फिर मैं यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा।